मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी अंडर द कंट्रोल मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे इदारे के जो काम हैं वो एक है बायोगैस, दूसरा है विंड मिल फॉर पावर जनरेशन, तीसरा है सोलर कुकर और चौथा है मिनी हाइडल पावर। ये हमारे इदारे के काम हैं और उसके जो है अलावा जो है ना हमारे और भी काम हैं, जैसे सोलर पैनल्स बनाना और सोलर हीटर, सोलर गीज़र ये बनाना है। अभी हमारे सिंध के इर्द गिर्द जो हमारे 141 विंड मिल्स फॉर पावर जनरेशन वो लगी हुई हैं, जो ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और ये लसबेला बलोचिस्तान की तरफ ये हमारी लगी हुई हैं। बायोगैस जो है ना वो हमारे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, जो जिनके पास जो है गोबर वाफर मकदार में है तो वो बायोगैस जो है ना वो लगवाते हैं, ताकि वो जो है उनको सस्ती ईंधन मिले और वो उनकी आंखों की जो है ना वो जो धुआं लगता है टाइम की बचत होती है और वैसे भी उनके पास गोबर बहुत होता है। कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, हम देहात में जाते हैं और वो जो है ना वो जिसके पास चार पांच भैंसे हैं या गाय हैं तो वो इसको हमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भर के देगा, उसमें गवर्नमेंट जो है ना 17,000 सब्सिडी देती है। तो हम उनको जो है वो बनाना, हमारी टेक्निकल गाइडेंस फ्री ऑफ कास्ट होती है। हम उनके पास जाते हैं और वो कुआं जो है ना 10 फुट नीचे होता है, 2 फुट ऊपर होता है, फिर एक समझो कि कुआं बनवाते हैं वो 6 फुट डाया का होता है, फिर उसके बाद जो है ना एक इनलेट हम बनवाते हैं वो जो है ना वो 6 इंच वो कुएं से फिर ऊपर होता है और उसमें एक 2 फुट और 1.5 फुट की टेंकी बनवाते हैं। ये जो है ना हमारे पास सामने आपके नज़र आ रहा है ये टैंक है, वहाँ ये इनलेट बना हुआ है और इसमें से फुल हम इसको पहले गोबर भरते हैं, आधा गोबर आधा पानी बाहर मिक्स करते हैं जैसे मेहंदी होती है, तो फिर इसको फुल भरते हैं। उसके बाद इसका आउटलेट है, आउटलेट में ये होता है कि जो गोबर पहले वाला जो हम डालते हैं तो वो फिर हम दूसरा जो यूज्ड हो जाता है फिर वो ऊपर आता है और फिर वो निकल जाता है ठीक। और बीच में जो है ना ये जो है ना गैस की टेंकी ये 3.5 फुट ऊपर उठ जाता है, तो इसमें जो है ना हम इसको बाकायदे जो है ना वो इसकी चेकिंग करते हैं, ताकि जो है ना वो गैस अब बनी या नहीं बनी। तो पहले एयर आती है, 2 दिन जो है ना इसकी एयर हम निकलवाते हैं, उसके बाद जो है ना 3रे दिन हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो गैस एक बेहतरीन जो है ना वो गैस हो गई, क्योंकि वो वैसे भी देहात में वाफर मकदार में ऐसे ही गोबर फेंक देते हैं, तो यह ना कि वो गोबर हम एक गैस मिल गई। दूसरा जो हमें इसका जो मिला आखिरी जो है ना वो जो सिलरी निकलती है वो बेहतरीन खाद है, ज़मीन के लिए बेहतरीन खाद है। आप इस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि और यूरिया भी खाद इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन खाद है। आप जो है ना गैस का गोला जला सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं और उसके अलावा जो है ना आपकी कुकिंग पर्पज़ के लिए 10 से 15-20 आदमी का खाना 3 टाइम सुबह दोपहर शाम जो है वो खाना जो है ना इसके ऊपर पकता है। वैसे भी और जो है ना हम अगर कोई गैस सिलेंडर लेता है तो आजकल 80-90 रुपये किलो लगा पड़ा है, अगर ये हमारे पास गोबर जो है हम उसको इस्तेमाल करें तो हमारी वो देहातों के जो औरतों की वो जो आँखों की जो उनको धुआं लगता है तो उनको जो है ना वो तकलीफ़ होती है, दमे की तकलीफ़ हो जाती है या बोर्ची खाना काला हो जाता है, बर्तन काले हो जाते हैं, तो इसमें जो है ना टाइम की एक सेविंग होती है, क्योंकि देहात में तो कुदरती गैस का आना नामुमकिन है। वेस्ट जो निकला वो बेहतरीन खाद है। ये विंड मिल जो है ना ये पीछे जो गांव है गुलमंद कोट है, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ है और वहाँ 22 लगी हुई हैं, जहाँ जो है ना बिजली 22-27 के करीब लगी हुई हैं, तो वो पहले उनके पास कुछ नहीं था तो लाइटिंग के नाते में उनको जो है ना बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो फिर हमारे इदारे ने जो है बंदों ने जो है हमें अप्रोच किया, फिर सर्वे हुआ, उसके बाद जो है हमने उनसे जाकर वो जो है देखा और उसके बाद जो है ना वहाँ हमने विंडमिल उनको लगा के दी।